हरिओम, ऋषि दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। ऋषि दर्शन के इस अंक में आप देखेंगे छिंदवाड़ा की गौशाला पूरी दुनिया के सामने कैसे बनी बहुत बड़ी मिसाल। देखो, मैं मानकर कुटुंबी परिवार और समाज की तुच्छ वस्तुओं को मेरा मानकर किसी ने आज तक इस बात में सफलता पाई नहीं। आज तक पृथ्वी पे ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ जो इन वस्तुओं को पकड़ रखे, थाम रखे। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्यों दिखाई रुचि केवल एकाग्रता और अनासक्ति में? और उत्तरायण में शरीर त्यागने वाला क्यों प्राप्त होता है उत्तम गति को? और सुभाष चंद्र बोस जी गोरी मैम के सामने क्यों बन गए गूंगे और बहरे? आप लिख लेना अपने हृदय की डायरी में, सुख और दुख कोई दूसरा देता है, ये कुबुद्धि है, कुबुद्धि। अपना पुण्य से सुखद अवस्था आ जाती है, सुखद व्यवस्था बन जाती है। अपने पाप से ही दुखद अवस्था, दुखस्त व्यवस्था बन जाती है। लेकिन उसमें दुखी हूँ करके, बेवकूफी करके दुख में डूबो तो भयभीत हो जाओगे, और सुख में डूबो तो भोगी बनकर खोखले हो जाओगे। और कैसे करें आलस्य का त्याग? और क्यों बांटते हैं बापूजी के शिष्य श्रीमद् भगवत गीता हर गीता जयंती पर? और हर बार की तरह इस बार भी धूमधाम से मनाया गया 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस। और इस बार के योगासन में जानिए अर्ध चंद्रासन करने से होते हैं क्या क्या फायदे, और सरपंच बेअंत सिंह बराड़ को गुरुजी से क्या क्या मिला, और क्या है इस बार की तिथियां व पर्व। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। अपने आप में रति, अपने आप में तृप्ति, अपने आप में संतुष्टि, बिना वस्तु बिना व्यक्ति और बिना अनुकूल परिस्थिति के भी वो आदमी सुखी रह सकता है, ऐसे पुरुष को इंद्र भी प्रणाम करके अपना भाग्य बना लेता है। आप वो बनने के लिए आए हैं।